माफिया मुख्तार के दुश्मन को प्रदेश अध्यक्ष बनाना कांग्रेस को पड़ेगा महंगा। मुख्तार के दुश्मन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से मुस्लिम समाज हो सकता है नाराज। अंसारी परिवार को हीरो मानने वाला मुस्लिम समाज कांग्रेस के फैसले से निराश। क्या बड़ा दांव खेलने के चक्कर में कांग्रेस ने खेल दिया उल्टा दांव। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार रात अचानक एक पत्र जारी किया। पत्र के मुताबिक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से छीन प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को देने का आदेश जारी किया। आदेश पत्र जारी होने के बाद तमाम राजनीतिक जानकार कांग्रेस के इस फैसले का विश्लेषण करने में जुट गए। राजनीतिक जानकार अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने के पीछे कई फैक्टर बता रहे हैं जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जैसे अजय राय का सफल सियासी इतिहास, जाति बाहुबली छवि, अजय राय की पूर्वांचल में पैठ और राहुल गांधी की तरह सीधा मोदी योगी से पंगा लेने की जाबाजी, ये कई फैक्टर्स हैं जो अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित करते हैं। लेकिन इन सभी फैक्टर्स पर एक फैक्टर ऐसा भी है जिससे कांग्रेस को अजय राय के हाथों कमान देना महंगा पड़ने वाला है। फैक्टर है अजय राय और मुख्तार अंसारी में दुश्मनी। दोनों के बीच लगभग 4 दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। 1991 में अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में हाल ही में मुख्तार अंसारी दोषी पाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मुख्तार और अजय राय के बीच अदावत कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आपका सोचना गलत है क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लामबंद करने के तमाम प्रयास कर रही है। इस बार कई राजनीतिक जानकारों का मानना भी है कि मुस्लिम समाज सपा से ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा दिखा सकता है। लेकिन अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम समाज के बीच फिर से दूरी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज अंसारी परिवार को अपने समाज का लीडर मानता है, खासकर पूर्वांचल यानी अजय राय और उनकी जाति वाले बाहुल इलाकों के मुसलमान अंसारी परिवार के साथ इमोशनली कनेक्शन रखते हैं। योगी सरकार अंसारी परिवार को तोड़ रही है लेकिन मुस्लिम समाज लगातार हर हाल में अंसारी परिवार को खड़ा रखने में जुटा हुआ है। आजम खान समेत कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं की सियासत खत्म होने के बाद मुस्लिम समाज अंसारी परिवार से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। ऐसे में अंसारी परिवार के दुश्मन अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाना कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अजय राय जिस भूमिहार जाति से आते हैं पूर्वांचल में मुस्लिम समाज से उनकी प्रतिद्वंदिता रहती है। ऐसे में ये संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि खाबरी की छुट्टी पर अजय राय पर दांव खेलना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है और कई दशकों से यूपी में छिटका मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास आते आते फिर दूरी बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।